देख सकते हो चालू हो गया। अभी इन दोनों पिनों को आपस में टास करते हैं। क्या होता है, जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तब ये तुरंत बंद हो गया। जो कि गाइस देख सकते हो एक थ्री लेग वाला जो कंपोनेंट है, ये आप सोचते होंगे क्या ये जो कंपोनेंट है टैंगस्टर है। आपको बता दूँ ये ना ही टैंगस्टर है ना ही तो मॉस्फेट है। तो दोस्तों ये चीज़ है क्या गाइज, इसको ट्रैक कहा जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट ही है, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर मॉस्फेट वगैरह होता है उसी प्रकार का है। ये जो ट्रैक है ये किस प्रकार से काम करता है और इसका काम करने का तरीका कैसा होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या एसी सर्किट में क्या डीसी सर्किट में, इन सब चीज़ों का बारे में ये जो वीडियो है हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, इस पर लाइव दे के भी हम चेक करेंगे इस किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। देख सकते हो हमने इसका जो सिंबल है वो बना के रखा है। तो ये जो कंपोनेंट है इसका तीनों लेग है, आपको बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसका एक नंबर और दो नंबर पिन जो है ए वन और ए टू, इसका नाम दे दिया है दोनों पिनों का। और तीसरा जो पिन है ये इसका गेट पिन है। दोस्तों गेट जो होता है, जैसे कि आपका जो ट्रांजिस्टर वगैरह होता है उस ट्रांजिस्टर में जैसे कि बेस कलेक्टर और इमीटर होता है, इसी में भी उस प्रकार से है कनेक्टर वन कनेक्टर टू और तीसरा हो गया इसको गेट। वहाँ पे बेस कलेक्टर और इमीटर था और यहाँ पे उसका बेस का जगह पे यहाँ पे गेट हो गया, जैसे कि मॉस्फेट में होता है। लेकिन एक पूरा ही उससे बहुत ही अलग है, अलग तरह से काम करता है। जैसे कि आप एक नंबर पर अगर इसका कोई भी सप्लाई दिया तो दो नंबर से आपको निकल के मिल जाएगा, और दो नंबर पे सप्लाई दिया तो आप एक नंबर से भी निकल के ले सकते हो। दोनों तरफ से ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक काम कब करेगा, जब आप गेट पर कोई भी वोल्टेज अगर देते हो, मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साथ जोड़ दिया एक नंबर पर, हमें दो नंबर से पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, तो आप यहाँ पे जब भी आप इस गेट पर कोई भी वोल्टेज देंगे पॉजिटिव वोल्टेज, मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया और गेट पर भी पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, तब जाके आपका ये जो ट्रैक है ये ऑन होगा। एक बार इसको टास करने पर, वोल्टेज टास करने पर ये ऑन हो जाएगा और उसका बाद एक बंद नहीं होगा। अगर यहाँ से हम सप्लाई हटा भी लेते हैं तो वो सब कुछ प्रैक्टिकल आगे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे एक झटका आपने यहाँ पे इसको दे दिया तो ये जो हमारा कॉम्पोनेंट है ये चालू हो गया और इसका जो सर्किट है वो चलते रहेगा। जब तक लाइट बंद नहीं हो जाता है तब तक ये बंद रहेगा, चालू रहेगा। लेकिन दोस्तों मान लो यहाँ से हम सप्लाई बंद कर दिया, फिर से अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं, गेट पर कोई भी सप्लाई नहीं देते तो हमारा जो कंपोनेंट है ये काम नहीं करेगा। फिर से आपको एक बार इसका जो गेट पर है इसको सप्लाई देना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो दो पीस बैटरी लिया है हमने, इसको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लिया है दोनों को। यहाँ पे हमको 7 वोल्ट का आसपास मिल जाएगा दोनों बैटरी में। एक वाइट कलर का एलईडी लिया है हमने और इसको एक 33 ओम्स का रेजिस्टर का साथ कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए इसका जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दो नंबर पिन पर पहले हम पॉजिटिव सप्लाई को दे देते हैं बैटरी का। यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई को दे दिया है और एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव जो सिरा है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसका एक नंबर पिन पर। और इसका एलईडी का दूसरा लेग पर नेगेटिव सप्लाई दे देते। चलिए अभी इसको चालू करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका जो गेट पिन है इस पर एक वन टाइम वोल्टेज चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया। तो चलिए यहाँ इसको पॉजिटिव का साथ टास करते हैं, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जब भी मैंने एक बार इसको टास किया तो ये चालू हो गया। अभी दूसरा बार इस प्रकार से टास करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, कुछ भी हरकतें नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना बार चाहूँ इसको टास कर दूँ कुछ भी हालचाल नहीं होता है। पे जो कि हमारा नेगेटिव सप्लाई है एलईडी का दूसरा पिन पर, तो यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेकर
इसका बेस पर एक बार टास्क करके देखते हैं क्या होता है। इसको नेगेटिव सप्लाई दे दिया तो तुरंत ही बंद हो गया, लेकिन ये बंद हो गया अभी। यहाँ पर जब पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तब जाके ये ऑन होगा। अभी इसको नेगेटिव सप्लाई फिर से देते हैं, देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये चालू नहीं हो रहा है। अभी इसको फिर से एक बार पॉजिटिव सप्लाई दे दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का दूसरा साइड से यहाँ पे इसको टच करते हैं, देख सकते हो। जब भी हमने इसको टास्क किया तो एक बार एलईडी ग्लो करके बंद हो जा रहा है, इसीलिए कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो आप, उसमें जब दोनों पिन टास्क हो गया तो तुरंत तो बंद हो गया। तो फिर से इसको चालू करते हैं, देख सकते हो चालू हो गया। अभी इन दोनों पिनों को आपस में टास्क करते हैं क्या होता है, देख सकते हो। जब टास्क हुआ तो जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तब ये तुरंत बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपोनेंट है, जो ट्रैक है, इसको एसी सप्लाई में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्विचिंग वगैरह करने के लिए। जैसे कि आपका जो फैन का जो रेगुलेटर होता है, इसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फैन रेगुलेटर वगैरह के लिए। तो ये एसी सप्लाई में क्यों यूज होता है ज़्यादातर, डीसी सप्लाई में यूज़ क्यों नहीं होता है? बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है डीसी सप्लाई में। आप चाहो तो इसको डीसी में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा प्रोजेक्ट इससे आप बना सकते हो। एसी सप्लाई में क्यों यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो एसी सप्लाई हमारा होता है कुछ इस प्रकार से इसका साइन वेव होता है, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ से इस हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा हाफ साइकिल इसका नेगेटिव होता है। जब यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई जब इतना तक आता है तब तो ये जो ट्रैक है ऑन रहता है, जब यहाँ से नेगेटिव सप्लाई होता है तब ये तुरंत ही बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तब फिर से इसको टिगर होना चाहिए, टिगर मिलना चाहिए, तब जाके ये ऑन होगा। तब जाके जब फिर से टिगर यहाँ पे मिलते हैं तब जाके ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव सप्लाई है, मान लो यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है, जब तुरंत यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आएगा तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जब पॉजिटिव, यहाँ पे जब नेगेटिव सप्लाई आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगा, इस प्रकार से होता रहता है अंदर। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जब आता है तब बंद होता है चालू होता है, बंद होता है चालू होता है, इस प्रकार करके ये स्विचिंग करके आपका जो फैन का जो रेगुलेटर वगैरह है उसका स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम पॉजिटिव सप्लाई दिया और यहाँ से हमको पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, तो ये जो नेगेटिव सप्लाई है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इस पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पे दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हमको एलईडी को भी चेंज करना पड़ेगा, एलईडी का जो पोलैरिटी है। तो हमने इसको नेगेटिव सप्लाई दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आपस में टास्क करते हैं, देख सकते हो ये चालू हो गया। अभी इसको नेगेटिव सप्लाई पर, इसका बेस पर, इसका जो गेट है, इस गेट पर नेगेटिव सप्लाई मिलने पर ये चालू हो रहा है। अभी इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो देख सकते हो तुरंत बंद हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ऑन हो गया। अभी जब भी इस पॉजिटिव सप्लाई को हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसीलिए बंद नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा लोड ले रहा है इसीलिए, यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे देख सकते हो देने से बंद तो हो रहा है लेकिन पूरा बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो जब नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ पे टास्क किया तब ये बंद हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये जो ट्रैक है इस प्रकार से काम करते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा इसका जो काम करने का तरीका, हम सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह का वीडियो आगे आपको मिलते रहेगा।